देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म की बात करेंगे तो कपिल वस्तु में होता, लुम्बिनी में होता है, कब होता? 563 ईसापूर्व में होता। कब होता गौतम बुद्ध का जन्म? 63 तीस ईसा ठीक है, पूर्व। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में होता है। उनके पिताजी का नाम की बात करें सुधवंत है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है? शाक्य गण के प्रधान थे, ठीक है। माता जी का नाम माया महादेवी, महादेवी था, महामाया देवी था, देवी। सॉरी माया देवी था सॉरी, या अथवा महामाया, ठीक है, दोनों कहते हैं। कोलीय राजवंश, ठीक है, कोलीय वंश की मतलब कन्या थी, ठीक है। गौतम के बचपन का नाम की बात करेंगे सिद्धार्थ था, ध्यान में रखेंगे। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद ही, ठीक है, माता जी का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन उनकी मौसी करती है, जो कि मतलब क्या थे, प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। इनका विवाह कितने वर्ष की आयु में था? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है। शाक्य कुल की कन्या, ठीक है, ध्यान रखें, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ इनका विवाह होता है। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का अन्य नाम और भी देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तरकालीन मतलब बौद्ध ग्रंथ के बात का, जो बौद्ध धर्म के बात का जो ग्रंथ वगैरह, उसमें गोपा, बिंबा, हद, कंचना, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? यशोधरा के हैं, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी, ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल था, याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन में चार देशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो कि एक जो था विद्ध व्यक्ति था, दूसरा की बात करेंगे बीमार व्यक्ति था, तीसरा की बात करेंगे मृतक था, चौथा की बात करेंगे प्रसन्नचित सन्यासी था, ठीक है। ध्यान रखें, जब ये अपने शहर के सैर पे निकलते हैं तो इनको चारों प्रकार का व्यक्ति नजर आते हैं, जिनमें से एक वृद्ध व्यक्ति था, दूसरा बात करेंगे बीमार व्यक्ति था, तीसरा जो था मृतक था, चौथा व्यक्ति जो नजर इनको आया वो प्रसन्नचित सन्यासी था। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु की बात करें कितना था? कितनी थी गृह त्याग उनतीस करने के समय? वर्ष, उन्तीस बिल्कुल, वर्ष इनके बस 29 वर्ष ही। बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ में इनकी घटना को? महाभिष्क्रमण। बिल्कुल, महाभिनिष्क्रम की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य पूछा जाता है, ठीक है। सांख्य दर्शन के आचार्य का नाम बताइए, अलार कलाम, जिसे वैशाली के समीप, ठीक है, उनकी मुलाकात हुई। पूछा जाता है इनका प्रथम गुरु कौन था? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यही पे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा भी ग्रहण की थी, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या देखेंगे? तो वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ ने राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत नामक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे, ठीक है। तो रुद्रक रामपुत्र जो थे, इनके मतलब क्या होते? दूसरे गुरु होते। पहले गुरु का नाम क्या था? अलार पहले गुरु कलम का नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अलार कलाम की बात करेंगे तो इनके पहले गुरु का नाम हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखेगा। दूसरे गुरु का नाम क्या होगा? रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। इनके पश्चात सिद्धार्थ जो था उरुबेला पहुंचे। उरुबेला किसको कहते हैं? तो बोध गया को कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा दूसरा नाम जो भी है ना, जैसे सारनाथ का नाम ऋषिपट्टनम हुआ, बोध गया का नाम उरुबेला हुआ, ये नाम इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उरुबेला बोध गया पहुंचे 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो क्या बताएंगे? 35 वर्ष में। पैंतीस बिल्कुल, पैंतीस वर्ष वर्ष की आयु में मतलब इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो मतलब क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अन्य नाम की बात करेंगे तो बुद्ध का अन्य नाम आपको क्या देखने को? तथागत भी मिलने को मिलता है, शाक्य ठीक है। ध्यान रखें, इनका जन्म जो हुआ था शाक्य कुल में हुआ था। किस कुल में जन्म हुआ था? शाक्य कुल में जन्म कुल हुआ था, इसीलिए इनको कौन सा मुनि कहते हैं? बोलिए आप लोग भी, ठीक है। शाक्य इनको कौन सा मुनि, मुनि कहते हैं? शाक्य तो मुनि, शाक्य मुनि कहते हैं। बहुत शाक्य मुनि। सुंदर, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का मतलब प्रचार प्रारंभ किया, ठीक है। उरुबेला में सबसे पहले वो ऋषिपट्टनम, ठीक है। उरुबेला, उरुबेला में से बोध गया से सबसे पहले कहाँ पे गया? ऋषिपट्टनम पहुंचा, ठीक है। अगर पूछा गया ऋषिपट्टनम का वर्तमान स्वरूप में नाम क्या है, तो इनका नाम सारनाथ है। सारनाथ, क्या नाम है इनका? सारनाथ। सारनाथ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सारनाथ नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। वाराणसी में पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। और इस उपदेश को देने की जो घटना जो है, इसको बौद्धिज्म में क्या कहा गया? तो इनको धर्म धर्म चक्र चक्र परिवर्तन। प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। अब आते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है। जैसे जन्म की बात करेंगे तो क्या है प्रतीक चिन्ह? क्या जन्म कमल का? एवं कमल शांत, कमल एवं शांत, एवं शाली। गृह त्याग में क्या है? गृह त्याग में घोड़ा, घोरा। ज्ञान की बात करें, ज्ञान का क्या हो जाएगा? पिपल पीपल, बोधि पिपल या फिर वृक्ष, बोधि वृक्ष। निर्वाण का क्या हो जाएगा? पदचिन्ह, पदचिन्ह, ठीक है। पद राजगृह चिन्ह, में, राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया, ठीक है। अगर पूछेगा राजगृह में, ठीक है, राजगृह में मतलब कौन कौन सा था? दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल उन्होंने व्यतीत किया था, ध्यान में रखेंगे। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए, मगध के राजा बिंबिसार उनके निवास के लिए बेनुवन, क्या नाम है? बेनुवन। मगध का बेनुमल, नाम क्या याद रखे? बेनुवन। बेनुमल।
ठीक है, बेनुबन नामक महाविहार बनवाया था। ठीक, मतलब बुद्ध जिस महाविहार में रहते उसका नाम क्या था, बेनुबन। ठीक है, अब बेनुबन बेनुबन महाविहार जो था बुद्ध का मतलब जन्म स्थान था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो क्या बताएंगे, बिंबिसार। महावीर बिंबिसार ने करवाया था, किसने करवाया था, बिंबिसार ने करवाया था, किसने बिंबिसार करवाया था, तो बिंबिसार बिंबिसार ने करवाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसने, बिंबिसार ने, याद इंपॉर्टेंट रखिएगा, नाम जरूरी है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे राजगृह से चलकर, राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। ठीक है, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए तो अंतिम वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किया, तो वैशाली में ही किया था, ये ध्यान में रखेंगे। वैशाली। वैशाली में उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया था, ध्यान में रखिएगा। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5वां और अंतिम वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्र कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बाद में जाके बुद्ध भगवान के रहने के लिए लोग, मतलब लिच्छवी लोग जो थे, उनको उनके कुटाग्रशाला का निर्माण करवा देते हैं। ठीक है, वैशाली जब पहुंचते हैं तो वहां पे उनकी एक नगर वधु मिलती है, जिनका नाम क्या है, आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली जो थी, ठीक है, क्या शिष्या बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आम्रपाली जो थी दूसरी महिला थी जो कि मतलब बुद्ध भगवान की शिष्या बनी थी। पहली महिला तो जानते ही, जिनको मतलब बौद्ध भिक्षु बनी थी, क्या नाम था, प्रजापति प्रजापति गौतमी गौतमी थी, आम्रपाली जो कि उनकी मौसी ही थी। अगर दूसरा महिला का पूछेगा तो दूसरा महिला का नाम क्या बताएंगे, तो दूसरा महिला का आम्रपाली 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 बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल, भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। ठीक है, प्रवेश के संघ में महिलाओं का मतलब प्रवेश करना वर्जित था, नहीं तो, लेकिन इनका प्रिय शिष्य हुआ करता था आनंद, आनंद के कहने पर मतलब महिलाओं को भी संघ में मतलब प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ज्ञान प्राप्ति के कहवे वर्ष, तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष मतलब क्या था, तो महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, ध्यान में इसको रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध की मौती, बुद्ध की मौसी की बात, या फिर बीमाता संघ में प्रवेश होने, बीमाता मतलब सौतेली माँ, ठीक है, संघ में प्रवेश होने वाली प्रथम महिला थी। देवदूत जो था बुद्ध का चचेरा भाई था। ठीक है, यह पहले उनका अनुगत बना और बाद फिर उनका विरोधी बन गया। ठीक है, पहले शिष्य बना और बाद में मतलब बुद्ध का मतलब विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इससे उसकी सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा, देवदत्त कौन था, तो बुद्ध का मतलब क्या था, चचेरा भाई था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक कौशल प्रचार किस राज्य में हुआ, कोसल राज्य में हुआ। राज्य बुद्ध ने यहाँ पे कितने वर्ष निवास किए, तो बुद्ध ने यहाँ पे 21 वर्ष निवास किए। कितने वर्ष निवास किए, वर्ष 21 वर्ष, 21 वर्षावास। वर्षावास मतलब धर्म, साल में एक ही बार वर्षा आएगा ना, तो 21 वर्षावास यहाँ पे निवास किए। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्या ग्रहण करके संघ के लिए, ठीक है, जेदपन विहार प्रदान किया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कौशल राज के अनाथ पिंडक व्यापारी का नाम क्या था, अनाथ पिंडक, धनी व्यापारी था, उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। ठीक है, शिष्य बन गया तथा तो संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। इसमें जेतवन अनाथो पेंडिको देती कोटी कोटी समथेन केता लेख वर्णित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जेतवन अनाथो पेंडिको देती कोटी समथेन केता लेख आपको वर्णित आपको देखने को मिलता है। कौन सा, भरहुत से। कौशल नरेश परसेंद जितने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ये परसेंद जित का ही राज्य था कौशल, ध्यान में रखेंगे। तथा संघ के लिए पुब्बा राम, ठीक है, पुब्बा राम पूर्वा राम नामक बिहार बनवाया। कौन सा बिहार बनाया, तो पूर्वा नाम नामक मतलब क्या किया, तो बिहार बनवाया। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बताई, वैशाली वैशाली में बताई, जो कि पहले भी बोले हैं आपको, इसे याद रखिएगा। पूछा जाता है बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तो वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए मलो की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वो मतलब चुंद जो कि लुहार द्वारा, ठीक है, चुंद लुहार के आम्र वाटिका में ठहरे। ठीक है, उसने बुद्ध को शुकर मदब खाने को दिया। ठीक है, इनसे उन्हें रक्त रक्ता रक्तातिसार हो गया। फिर वो पावा के कुशीनारा चले गए, यहीं पे, ठीक है, सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, अगर पूछेगा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, तो सुबद्ध को दिया था। किसे दिया कुशल था, सुबद्ध को दिया था। ठीक है, किसे दिया था अंतिम उपदेश, सुबह हाँ सुबह कहाँ पे था, कहाँ पे दिया, कुशल मेरा कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनारा का कुशीनगर भी बोलते हैं। ठीक है, कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनारा किसकी राजधानी थी, मन गणराज की। गणराज के।
इतने कितने वर्ष के आयु में बुद्ध की मृत्यु हो गई? 80 वर्ष, अस्सी साल कब हुई? 84 ईसा पूर्व किसके राज्य में हुई? मल्ल राज्य में। मल्ल राज्य में, मल्ल के राज्य में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक, इस घटना को क्या कहा गया बोधिजम में? महापरिनिर्वाण। आप जब ये मरते हैं ना, तो इनके बॉडी जो होता है, इनसे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है, बुद्ध का बॉडी किसका होगा। ठीक है, यहाँ पे देखा महापरिनिर्वाण के सूत्र में, बुद्ध के शरीर हाथु दावेदार में ना मगध नरेश अजात शत्रु था, वैशाली के लिच्छवी थे, पावा के मल थे, कपिल वस्तु के शाक्य थे, रामगाम के कोलिये थे, ठीक है, अलकप के बुली थे, ठीक है, पिबली वन के मोरिये थे। ठीक है, ध्यान रखेगा, बेठदीप के ब्राह्मण थे, सब ने बोला से बुद्ध मेरा है, बुद्ध मेरा है। ठीक है, तो इनको शरीर को 8 भागों में बांट दिया जाता है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, कितने भागों में बांट दिया गया इनके शरीर के अवशेष को? कितने भागों में? 8 भागों में। ठीक है, सबको दे दिया गया। ठीक है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संख्या दी गई। उनका ये उपदेश दुख, दुख के कारण एवं उसके समाधान से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था, जो कि क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश के उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, मतलब अष्टांगिक मार्ग अपना कर किसी भी तरह के दुख पे मतलब निजात पाया जा सकता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग है? तो 8 मार्ग है। कौन है? जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ठीक है, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध को कौन सी मार्गी थे, क्या बताएंगे? मध्यमा। बुद्ध कौन से मार्गी थे? तब मध्यम मार्गी थे। ठीक है, ध्यान रखें, बुद्ध जो थे मध्यम मार्गी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बट गए, ध्यान रखें, पहला जो था भिक्षु और भिक्षुनु, और तीसरा जो था, दूसरा जो था उपासक कहलाया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, भिक्षु भिक्षुनु या फिर उपासक ही उपासिका है। ठीक है, एक मेल फीमेल भी है, इधर भी मेल फीमेल है। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया, सामान्य मनुष्य के लिए, उसे उपासक धर्म कहा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखें, सामान्य मनुष्य के लिए। अब भिक्षु जो होता था उनको कहाँ? बिहार में रहना पड़ता था, जबकि राजे महाराजा भी उपासक बन सकते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सारे काम को करते हुए तो 8 गो जो था ना, 8 गो में 4 गो ही उनको मानना पड़ता था। बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या क्या है? तब बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 में। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किस शासक का शासन काल था? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति का कब हुआ था? वैशाली। द्वितीय कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? वैशाली। कौन थे इसके अध्यक्ष? शुभकामी। शुभकामी, ठीक है, शासक कौन थे? बिल्कुल, कालाशोक शासक। तीसरा वाला कब हुआ था? 247 भी होगा, 250 भी होगा, 251 भी होगा, कुछ भी रहेगा मार दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। कहाँ पे हुआ था? 250 भी देता है, 251 भी देता है। ठीक है, 52 तो नहीं देखा हूँ, देता भी होगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, मोगली पुत्र शासन काल किसका था? अशोक का। चौथा कब हुआ था? 15 ईसा की प्रथम शताब्दी। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुए थे। शासक कौन थे? कनिष्क। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। ठीक है, अब यहाँ पे परंपरागत है। ठीक है, परंपरागत नियम में आस्था रखने वाला संप्रदाय को अस्थवीर या फिर थेरावादी कहलाए। इनका नेतृत्व किसने किया था? महाकच्चायन ने किया। ठीक है, तो थेरावादी जो थे बौद्ध धर्म से जो निकला, इसका नेतृत्व किसने कराया? तो महाकच्चायन ने किया। ठीक है, परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासंघिका, क्या बोलते हैं? महासंघिका कहा है, मतलब कुछ परिवर्तन के साथ है। इसका नेतृत्व किसने किया? तो महाकश्यप ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया? तो महाकश्यप ने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंघिकों का बोलबाला था, ध्यान में रखेंगे, महासंघी का बोलबाला था। महासंघी का बोलबाला मतलब
परिवर्तन के साथ नियम के स्वीकारने वाला का मतलब क्या था? बोलबाला था। चतुर्थ संगीति में के समय बौद्ध ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया, ठीक है? बौद्धों ने भाषा के रूप में किसे अपना लिया? चतुर्थ संगीति में किसे अपना संस्कृत लिया? को, संस्कृत को अपना भाषा लिया। इसी संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, विभाजित ठीक हो है? गया। शर्वास्तिवाद आगे चल के वैभाषिक और ठीक है स्वतांकित में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। कहाँ पे होते वैभाषिक मत की उत्पत्ति? कश्मीर में कश्मीर में, ठीक है? कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है? वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मतात, धोसक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि थे। स्वतांत्रिक संप्रदाय सूत पिटक पर आधारित है। शून्यवाद की बात करेंगे, माध्यमिक के प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे, ठीक है? जिनकी कालिका प्रसिद्ध रचना क्या है? तो माध्विका, माध्यमिक कारा कारिका, ठीक है? माध्यमिक कारिका किनकी रचना है? कालिका तो नागार्जुन की, ठीक है? किनके? नागार्जुन की, ठीक है? नागार्जुन के बात अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे, ठीक है? चंद्रकृति, शांति देव, शांति रक्षित, आर्य देव आदि। नागार्जुन की तुलना, ठीक है, मार्टिन लूथर से की जाती है, ठीक है? ध्यान रखिए, किसे की जाती है? नागार्जुन। मार्टिन मार्टिन मुठल मार्टिन मुठल। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से या हाँ सर, आइंस्टीन से? अच्छा, नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है? कन्वर्ट नागार्जुन की किया तुलना जाता मार्टिन लूथर से की जाती है। व्हेन संग ने संसार के चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा, ठीक है? उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा, ठीक है, योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने किया था, ठीक है? तो विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैत्रेय या फिर मैत्रेय नाथ ने की थी, ठीक है? असंग तथा, ठीक है, वसुबंधु, ठीक है, असंग तथा वसुबंधु ने इनका विकास किया। ब्रज ज्ञान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? ब्रज ज्ञान का सर्वाधिक विकास कब हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है? मतलब। इसके सिद्धार्थ मंजूश्री मूलकल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं, ठीक है? इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है? क्या क्या प्रशस्त किया? बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। किसको? बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, ठीक है? ध्यान रखें, बुद्ध ने स्वयं अनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने स्वयं ही अनित्यवाद के सिद्धांत को भी, मतलब क्या किया है, प्रतिपादन किया। मैत्रेय की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के, मैत्रेय की बात करें बौद्ध धर्म में क्या है, तो बौद्ध धर्म में भावी बुद्ध कौन है? तो भावी बुद्ध क्या होगा? मैत्रेय होगा। कौन हो जाएगा बताइए? मित्र मैत्रेय। मित्र हाँ, अब देखेंगे और अब बात करेंगे अलौकिक। अलौकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इसमें पद्म पाणि, हाथ में कमल लिए हुए, ठीक है? पद्म पाणि बुद्ध का ही एक अवतार है, जिसमें हाथ में मतलब क्या लिए है, कमल लिए हुए। इनका प्रधान युग दया है, ठीक है? मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है, ठीक है? सबके साथ बुद्ध के अवतार है। बौद्ध धर्म में आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते थे। ये किस भाषा में लिखी गई थी? त्रिपिटक किस भाषा में थी, तो क्या बताएंगे? पाली भाषा बिल्कुल, ठीक है। त्रिपिटक को बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित करके तीन भागों में बांट दिया गया। इसी को त्रिपिटक कहा गया। तीनों भाग कौन कौन थे? विनय पिटक थे, सुत पिटक थे, अधिनम पिटक थे। आप देखेंगे विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में आप देखोगे तो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी विचार विमर्श है, ठीक है? विधि निषेधों का संग्रह है, ठीक है? विनय पिटक में क्या है, तो विधि है, ठीक है? सुत पिटक में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है आपको सुत पिटक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अधिनम पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह आपको किस पिटक में मिलेगा, तो अधिनम पिटक में मिलेगा। तीनों पिटक में क्या क्या है बता दीजिए, विनय पिटक में बताइए। संघ संबंधी नियम तो दैनिक जीवन को मिलता है, शुद्ध पिटक में और महात्मा बुद्ध उपदेशों का संग्रह मिलता है, अभिधान पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो समझ गए यहाँ पे, तो सुत पिटक, विनय पिटक, अधिनम पिटक, इसको याद रखिएगा, ठीक है? समझ गए? अब चलते अच्छा आगे। अब यहाँ पे देखेंगे अट कथाएं, ठीक है? अट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सुत पिटक, ध्यान रखेंगे, सुत पिटक की अट तथा महा अट कथा तथा विनय पिटक की अट तथा, ठीक है, कुरुकुंडी, कुरुकुंडी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। भाष्य क्या होता है? जब कोई पुस्तक बहुत अधिक कठिन हो, ठीक है, तो उसको समझने के लिए भाष्य या फिर टीका की गठन किया जाता था। मतलब उसको किया जाता, उस पर लिखा, जैसे किसी पुस्तक को समझने के लिए आपको दिक्कत हो रहा था क्या, तो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, ठीक है? तो उसी तरह त्रिपिटक को समझना कठिन काम था, इसीलिए अर्थ कठाए लिखी गई। कौन सी? अर्थ कठाए
कथाएं लिखी गई, त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत पिटक की अटकथा का बात कर, महा अटकटक है सूत पिटक का है, तथा विनय विनय पिटक की अटकथा का नाम क्या है? कुरुकंदी कुरुकंदी है, ठीक है। आदिदम पिटक की कुरुकंदी अटकथा के बाद मूल रूप से सिंहली भाषा में, ठीक है, महापचरी कहते हैं। तो अगर पूछेगा महापचरी किसकी अटकथा है, तो क्या बताएंगे? वो 25,000 इसकी का है, अभिधान की आदिदम पिटक है, ठीक है। कुरुनंदी किसकी है? कुरुनंदी, कुरुनदी विनय विनय पिटक की है, पिटक ठीक है। महातकथा किसका? महातकथा तो सूत पिटक का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें बौद्ध जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथा संकलित है, जातक कहते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथा जिसमें संकलित, उनको जातक कहते हैं। और जातक किस भाषा में? तो पाली भाषा में। पाली भाषा अब बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के बारे में जानेगा। मिलिंदपन्हो, मिलिंदपन्हो किसने लिखा? नागसेन नागसेन। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण किसने लिखा? अश्व ठीक है, माध्यमिका, ठीक है, माध्यमिक घोष माध्यमिक कारिका किसने लिखा? नागार्जुन नागार्जुन, ठीक बुद्ध है। विशुद्धि मग्न किसने लिखा? विशुद्धि मग्न, घोष बुद्ध घोष बिल्कुल, ठीक है। अगर बात करें अधिदम कोश किसने लिखा, वसुबंधु वंशबंधु ध्यान में रखें किसने लिखा, तो ध्यान में रखें बसुबंधु ने वसुबंधु लिखा, ठीक है। सारे को याद रखना है आपको। मिलिंद पन्हों को किसने लिखा? मिलिंद पन्हों को मिलिंद पिनो को लिखा नाग सर सर, ठीक है। नागचंद बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण को किसने लिखा? सौंदरानंद याद रखिएगा, अश्वघोष इंपॉर्टेंट है। सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष माध्यमिका कारिका, ठीक है, माध्यमिका कारिका को किसने लिखा? नागार्जुन नागार्जुन। इनको क्या नागार्जुन बोलते हैं नागार्जुन को? आइंस्टीन बात गया मार्टिन लूटर का मार्टिन लूटर मार्टिन लूथर किंग, आइंस्टीन भी, ठीक है। चलिए बुद्ध की, ठीक है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है, ठीक है। ये प्रश्न में पूछता है, ठीक है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा क्या बताता है? तो अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित। अगर पूछेगा भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की जो बुद्ध की प्रतिमा है किस काल से संबंधित है? गुप्त तो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र थे, पहला नालंदा, दूसरा बल्लभी, और तीसरा जो था विक्रमशिला। विक्रमशिला भागलपुर में पड़ता था, नालंदा भी बिहार में ही था, वैशाली में, यहाँ पे बल्लभी की बात के गुजरात में पड़ता था। नालंदा गुजरात महायान बौद्ध धर्म तथा बल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। अब विक्रमशिला बात करें, यहाँ पे नालंदा में कौन सा बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी? तो महायान, कौन सी महायान महायान होती थी। अब बल्लभी में किसका होता था? तो हीनयान बौद्ध धर्म की पाल शिक्षा का प्रमुख था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने करवाया? तो पाल नरेश धर्मपाल ने धाल ने, ठीक है, किसने? धर्मपाल ने करवाया था। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के बाद गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, ठीक है। सर्वप्रथम कुमार गुप्त वन ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान में दिए, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों ने मतलब गांव दिए थे दान में, ठीक है, ध्यान में। क्या दिए थे? बिहार को गांव दान दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, किस किस ने दिया? तो सबसे पहले कुमार गुप्त ने दिया था, ठीक है, बुद्ध गुप्त ने दिया, अच्छा तथागत गुप्त ने दिया, ठीक है, अच्छा बालादित्य ने गुप्त, सभी शासकों ने नालंदा विहार को मतलब दान दिया था। नव नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र था, जिसे भारत सरकार 1951 में नालंदा में स्थापित किया, ठीक है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चीता होता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चीता होता है, ठीक है। अच्छा शबदाह में, शबदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ के उसके ऊपर जो समाधि बनाई जाती थी, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या फिर अस्तूपा कहा जाता था, ठीक है। इस तरह का कार्य आकृति जो देखते थे बुद्ध धर्म में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह की आकृति जो देखा जाता था, ठीक है, ये क्या था? यह अस्तूपा था, ठीक है। क्या बोलते हैं? अस्तूपा था। जब जब किसी बौद्ध साधु की जब देहांत हो जाता है, जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गया, तो उनके जो अवशेष जो बन गए, तो अवशेष को इसमें दाब के रख देते थे, ठीक है। तो उन्हीं से मतलब क्या होता था? उन्हीं से आप देखोगे तो इससे मतलब अस्तूपा बना। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष भी सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना का केंद्र बन गया। क्या बन गया? चैत्य उपासना का क्या बन गया? केंद्र बन गया। चैत्य गृहों के सब भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया। आवास जहां पे भिक्षु रहते थे उनको क्या बोलते थे? तो उनको बिहार कहते थे, ठीक है। अगर पूछेगा सर्वप्रथम स्तूप वर्णन कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो सर्वप्रथम स्तूप के बारे में वर्णन कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो
ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बिहार, ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अथर्वेद, वाजसनेयी संहिता, तैतरेयी ब्राह्मण संहिता, पंचमीश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है स्तूप का शाब्दिक अर्थ? किसी वस्तु का ढेर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के एक ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की बनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपने संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में, ठीक है, इन स्तूपों में क्या होता था? तो बुद्ध अथवा उनके शिष्यों की धातु धातु रखी जाती थी, अतः वो बौद्ध की श्रद्धा और उपासना का प्रमुख क्या बन गया? केंद्र बन गया, ठीक है। ध्यान में रखें क्या क्या होता था स्तूप में। स्तूप में चार प्रकार के भेद होते थे। एक शारीरिक स्तूप होता था, एक होता था पारिभौगिक स्तूप होता था, तीसरा जो होता उद्देश्य का स्तूप होता था, और चौथा जो होता पूजार्थक स्तूप होता था, ठीक है। ध्यान, स्तूप के कितने भेद? चार भेद। गौतम बुद्ध को एशिया का क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, या फिर क्या बोल, ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन पर, ठीक है, एडविन अर्नोल्ड ने, ठीक है, किसने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की रचना की है। अगर पूछेगा द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया, तो गौतम बुद्ध को कहा गया। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक इनका है, तो किनका पुस्तक है? एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है, ठीक है। ध्यान में रखें किसकी पुस्तक है? एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर, ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बनाया गया, ठीक है, क्योंकि इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो जहां पे मृत्यु हुआ था वहीं पे मंदिर बना दिया गया, ठीक है। मंदिर में स्थापित बुद्ध धर्म की मूर्ति, ठीक है, मंदिर में स्थापित बुद्ध, भगवान बुद्ध की मृत्यु 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी, ठीक है। ध्यान, कब प्राप्त की गई थी? जो मंदिर जो बना है उसमें 1876 का मूर्ति है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की हाइट कितनी है? 6.10 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ध्यान में, लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई। किस मुद्रा में रखी गई है? लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है, ठीक है। यह मूर्ति उस कला को दर्शाती है जब, ठीक है, जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया था, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। हाइट कितनी है मूर्ति का? हाइट कितना है? 6.10 मीटर किस अवस्था में रखा गया मूर्ति को? लेटी हुई। क्या चीज को दर्शाता है लेटी हुई अवस्था? क्या नहीं बोल रहे सभी आदमी? उस काल को दर्शाते। बिल्कुल ठीक है। जब भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को मतलब क्या किया था? छोड़ दिया था, ठीक है, मतलब महापरिनिर्वाण को एक तरह से दिखाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप चले, हीनयान और महायान में क्या मुख्यतः अंतर था? तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ था निम्न मार्ग, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ था उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को माना था, ना उत्कृष्ट न तो निम्न, बीच का, ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, ठीक है। हीनयान में क्या माना जाता है? महापुरुष माना जाता है, ठीक है। इन्हें महायान वालों ने इनको देवता माना है, ठीक है। यह व्यक्तिवादी धर्म है, जबकि ये व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्ति होती है। इन्हें परोपकार, पर सेवा, पर बल दिया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण का है, ठीक है। महायान का समस्त मानव जाति का कल्याण का। यह मूर्ति पूजा भक्ति के विश्वास नहीं करता, यह मूर्ति पूजा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी स्थापना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है, ठीक है। इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासक को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श, ठीक है, अर्हत पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व का मतलब क्या करना है? प्राप्त करना है। इसका प्रमुख संप्रदाय की बात करेंगे तो वैभाषिक तथा सौतांत्रिका है, ठीक है। इसके प्रमुख संप्रदाय की बात करेंगे शून्यवाद तथा विज्ञानवाद है, ठीक है। शून्यवाद के मतलब, शून्यवाद की बात करेंगे माध्यमिक, ध्यान में रखिए, विज्ञानवाद के कौन है? योगाचार्य, ठीक है। योगी और शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? हम्म, शून्यवाद के प्रवर्तक, शून्यवाद का प्रवर्तक नहीं बता रहा अभी तो थोड़े पहले पर, कैसे भूल जाते आप लोग? किसी को नहीं पता शून्यवाद के प्रवर्तक? नागार्जुन को नहीं कहते हैं? चले आगे चलेंगे। चले बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
523 ईसा पूर्व। चले, कहाँ पे हुआ था बोलिए आप लोग, कब हुआ था, पांच सौ तिरसठ शत्रुघ्न इनके पिता का नाम क्या था, किस गण के शत्रुघ्न प्रधान थे, ठीक शाक्य है, माता का नाम क्या था, महामाया कौलिया ठीक है, महामाया किस किस वंश की कन्या थी, कौलिया वंश कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, 29 वर्ष बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, महावीर बुद्ध के उनके जीवन के किस घटना को महाभिनिशन के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल गृह त्याग को। त्याग ठीक है, गृह त्याग को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बुद्ध की माँ किस वंश से थी, बोलिए बोलिए, ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए, लुम्बिनी निम्न से कौन सा बुद्ध में का दूसरा नाम है, क्या कपिलवस्तु, सिद्धार्थ, दूसरा नाम है नाम है, इनमें सिद्धार्थ सर। ठीक है, गलत है, कोई नहीं इनमें से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कपिल वस्तु का लुम्बिनी सही था। देखिए, गौतम बुद्ध का अन्य नाम के शाक्य मुनि तथागत आदि नामों से जाना जाता है, आदि शंकरा आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रच्छन्न बौद्ध या फिर छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, ठीक है, अर्थात पार्थ प्रच्छन्न मिहिर भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार ऑप्शन ई सही हो जाए क्योंकि कुछ नहीं था। निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान है, मौर्य मौर्य, ठीक है, ध्यान रखें, मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुमन्नी दई अभिलेख, किससे किस अभिलेख से पता चलता है, रुमन्नी दई अभिलेख से सूचना अशोक मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के कैमे वर्ष यहाँ पे आया था, कैमे बीसवीं वर्ष क्या वर्ष था, 20 साल बीसवें वर्ष था, कैमे वर्ष बोध गया गया था 10 साल 10वें वर्ष था, ठीक है, कैमे वर्ष मतलब उसने कलिंग पे आक्रमण किया था 13 8वें वर्ष, ठीक है, कब किया था 8वें वर्ष में, ठीक है, और 8वें वर्ष में कलिंग पे आक्रमण, ठीक है, 10वें वर्ष में बौद्ध गया गया, 20वें वर्ष में बुद्ध भगवान का जन्म स्थान कहाँ पे था, गया। वहां पे जाके टैक्स कितना कर दिया था, 1/8 टैक्स कर दिया था, ठीक है, टैक्स को घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है, और उस स्थान की पूजा भी की थी जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, साथ ही इस अभिलेख से लुम्बिनी ने बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कौन सा अभिलेख है, बोलिए, बिल्कुल रुमन दई से कौन सा अभिलेख है, तो रुम्बन्नी दई स्तंभ लेख है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक क्या इसमें अशोक का अभिलेख है, रुमन्नी देवी, इतना क्या सोचना है, ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, महापरिनिर्वाण और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में, बिल्कुल कुशीनगर में, ठीक है, ध्यान में, किसकी राजधानी थी कुशीनगर, मल्लों की राजधानी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, किसने के द्वारा भोजन गुण को अर्पित किया गया था लोहार, जिनके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, किसके द्वारा, चुंद नामक लोहार के द्वारा, ठीक लोहार, है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में, कब इनकी मृत्यु हो गई, 483 में, ठीक है, कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है, इनकी इस घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था, मल किसके राज में हुआ था, मल्ल के राज में, ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, क्या बताएंगे, मल्लो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, क्या बताएंगे, निर्माण प्राप्त किया था कुशीनाथ, कुशीनाथ, गौतम किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, क्या है, गलती दिया है, निर्वाण का मतलब यहाँ पे लिया है, मतलब क्या बोलते हैं, ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, महापरिनिर्वाण की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे, मंदिर है कुशीनगर कुशीनगर में, ठीक है, यहाँ पे जो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में जो बुद्ध का जो प्रतिमा जो रखा गया है उसकी कब उसको गड्ढा से कब क्या बोलते उसको, अरे कब उसको निकाला गया था, 1800 उत्खनन में, 1876 में, ठीक है, बुद्ध ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अब बता निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, गंधार का कोई संबंध नहीं चार था, सौ ठीक है, क्या हो जाएगा, एक का भी तीन कोई, चार अवंती का भी कोई संबंध नहीं था, केवल 3 और 4, ठीक है,
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध और अपने धर्म के दीक्षित किए जाना अंतिम व्यक्ति कौन था, बताया नहीं बोला सुभद्र था, बद्र, सुभद्र बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध और उपाध्य निम्न से किस व्यक्ति में कौन सा अंतिम कौन था, सुभद्र सुभद्र बुद्ध ने अपने जन्म के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, वैशाली वैशाली में बिताई, कहाँ पे बिताई, तो वैशाली में वैशाली बिताई, ठीक है। चलिए बात के निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा का सबसे व्याख्या करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का समान, ठीक है, ध्यान कृष्णा में, तृष्णा रूपी अग्नि का समान, ठीक है, समझ गया है? तो सबसे व्याख्या यही होता है, ठीक है। बौद्ध ज्ञान में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को हुई थी, ठीक है, ध्यान रखें। कितने अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, और कौन सा दिन था, बैसाख की वैशाख पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है। अलार कलाम कौन थे, बुद्ध बुद्ध का गुरु, के ठीक है, बुद्ध के शिक्षक, क्या थे, गुरु थे, ठीक है, गुरु। किस दर्शन के थे ये, कौन से दर्शन के थे, अलार कलाम किस दर्शन के थे, सांख्य ओके दर्शन के, ध्यान कहाँ रहता है, दर्शन, सांख्य दर्शन के थे, कौन से दर्शन के थे, तो बिल्कुल सांख्य दर्शन के थे। दूसरा गुरु कौन बने थे, रुद्रकराम पुत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रुद्रकराम पुत। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया, कहाँ सारनाथ में। पे दिया, सारनाथ में, ठीक है। ना रहे तो उरुबेला कीजिएगा, क्या होगा, उरुबेला, ठीक है, सारनाथ का पुराना नाम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ। सारनाथ सारनाथ ने अपना पहला प्रवचन किसे दिया, सारनाथ का महात्मा अपना पहला प्रवचन बुद्ध, किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, सारनाथ धर्मचक्र पर सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश को ही, प्रथम मतलब क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन किसने दिए, कहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, सारनाथ में। बुद्ध ने सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, किस श्रावस्ती, राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी, किस राज्य की श्रावस्ती, राजधानी श्रावस्ती थी, कौशल राज्य की राजधानी जो थी आपकी कहाँ पे थी, श्रावस्ती थी, ठीक है। यहाँ का राजा कौन कोसा, था, राजा यहाँ का प्रसेनजीत था, जो कि बुद्ध भगवान का मित्र भी था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आया, किसके राज्य में कौशाम्बी आए उदयन थे, उदयन उदयन के राज्य में उदयन कौशाम्बी आए थे, वेरी गुड, ठीक है, उदयन के राज्य में आए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने क्या किया, घोषिता राम बिहार भिक्षु शंख को दान में दे दिया था, ठीक है। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने, आजाद महा महाकाल, वहां का सब किया था, बहुत सुंदर, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे, महाकाश्यप महाकश्यप, थे, बहुत सुंदर, ठीक है, बताना है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था, किस एक ने किया महाकश्यप, था, प्रथम बौद्ध संगीति, महाकश्यप ने, ठीक है। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह, राजगिरी में हुआ था, बहुत सुंदर, ठीक है, बताना है। सप्तगिरनी गुफा कहाँ पे स्थित है, सप्तगिरनी गुफा, राजगिरी में, चलिए बताना है आपको। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे हुई थी, ठीक राजगृह, है, बताना है आपको आगे। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, किसने बसुमित्र, की थी, बसुमित्र ने की थी, किसने की थी, बसुमित्र ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बौद्ध संगति हीनयान का औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ, हीनयान महायान है कनिष्क के कनिष्क, शासनकाल में, चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था हीनयान महायान का बंटवारा। कनिष्क के शासनकाल बौद्ध बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था, कश्मीर में, कश्मीर के किसके कुंडल, शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की परिषद हुई थी कहाँ पे हुई थी, कनिष्क कनिष्क के शासनकाल में, के शासनकाल में, ठीक है। आप चलेंगे आगे, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति के कश्मीर में आयोजित की, कनिष्क, कनिष्क ने, बहुत सुंदर, ठीक है। बात करें निम्नलिखित पे विचार करना आपको, ठीक है, बुद्ध देवतारोपण, बोधि सत्य के पथ पे चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक है, उपयुक्त में से, ठीक है, विशेषता महायान की है, महायान की कौन सी है, तो सारे के कनिष्क सारे विशेषता है, ठीक है। बुद्ध को देवतारोपण बना दिया, बोधि सत्य के पथ पे चला, मूर्ति उपासना अनुष्ठान को इन्होंने शुरू कर दिया,
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगति में सही कलाक्रम क्या है? सबसे पहले कहाँ पे? राजगीर में। दूसरा राजगृह, उसके बाद दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा काशमीर। पाटलिपुत्र मतलब में दो एक हुआ चार है। तीन, दो यस, एक चार तीन। चार तीन, ठीक है याद रखेंगे। ऊपर चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, वैशाली, वैशाली। ठीक है बताना। तृतीय बौद्ध संगीति की शासन तो उलाई गई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजात अजाशत शत्रु शासनकाल के शासन काल में में। बौद्ध निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगीति आयोजित की गई? राजगीर राजगृह। में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने, ठीक है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? काला तो सा कला अशोक ने। किसने? कला क्लास अशोक ने, ठीक है। बताना बुद्ध के जीवन में चार महत्वपूर्ण घटनाओं से उनके संबंध में चार स्थानों नीचे उल्लेख है, ठीक है। एक और दो दिया हुआ है, ठीक है, उसको मिलाना। लुम्बिनी, जन्म कहाँ पे हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी में। विज्ञान लुम्बिनी, प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोधगया में, सारनाथ, बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन, नीदर, कुशीनगर, कुशीनगर। बहुत सुंदर, ठीक है चलते। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन के किस घटना के चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया? प्रथम हाँ, प्रथम उपदेश, उपदेश। प्रथम उपदेश में, ठीक है, चक्र, ठीक है ध्यान में रखेंगे। जल का प्रतीक क्या है? प्रथम कमल और सांप, प्रवचन, महाबोधि महाबोधि, सर, ज्ञान प्राप्ति। क्या दिया हुआ यार ये? जन्म घोरा, नहीं घोरा तो घर से गए तो वो है, उधर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ पाएगा। और इधर होगा ठीक जन्म कमल हो जाएगा, ठीक है। प्रवचन की है। धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष होगा। गृह क्या हो जाएगा? घोरा हो जाएगा, ठीक है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग के हैं? करमापा लामा, ठीक है ध्यान रखिए। कंग्युपा का, किसका है? कंग्युपा से संबंधित है, ठीक है। करमापा लामा तिब्बत बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंग्युपा, क्या बोलेंगे? कंग्युपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ठीक है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ठीक है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। सारे के सारे सही है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? कई बार प्रश्न पूछा, पंचम पीढ़ी का है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसे बैठकर महात्मा गांधी ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेमसंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगाया था। किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का, मतलब क्या है, अधिकार है। अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पे स्थित था? तो बौद्ध गया, ठीक है। निरंजना आधुनिक फल्गु नदी कहते हैं इसको, ठीक है ध्यान। पूर्व में निरंजना नदी के नाम से बनता है। यह नदी दो धाराओं से मिलता है, ठीक है। एक निरंजना और मोहना के मिलने से मिलता है। कौन सी? निरंजना और मोहना नामक नदी के मिलने से ये नदी बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है इनका, बुद्ध का पवित्रता उपदेश, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। कौन होता देवदत्त, था? देवदत्त, जो कि मतलब इनका कौन था? देवदत्त इनका भाई। चचेरा भाई था, ठीक है ध्यान रखेंगे। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य की बात करेंगे तो आनंद था। सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था, आनंद, ठीक है ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह देवव्रत बुद्ध का चचेरा भाई था जो बाद में बुद्ध का विरोधी बन गया। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु उपरांत तो गौतम बौद्ध संघ के लिए नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नामित नहीं किया था, ठीक है। किसी को नामित नहीं किया गया तो कोई आदमी लीड करेगा, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था, ठीक है ध्यान रखेंगे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसमें है? तो ध्यान में रखेंगे, यह धर्म चक्र सूत्र की विषय वस्तु है। धर्म धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु जो है अष्टांग मार्ग की संकल्पना है।
गौतम बुद्ध के बारे में हम क्या कथन सत्य क्रम में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। गलत हो जाएगा, कौन सही हुआ? एक दो तीन, ठीक है। धैर्य में कौन सही है? महात्मा बुद्ध के कर्म के विषय में विश्वास करते थे, आत्मा विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता है और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। एक और तीन सही है, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा नंबर क्या है? वे आत्मा का शरीर का परिवर्तन विश्वास नहीं, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं था, इसलिए ये पहला और तीसरा केवल सही है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में दी गई थी, बस अपने प्रिय शिष्य किसके कहने पे दे दी थी? तो क्या नाम है, ठीक है, बुद्ध आनंद के कहने पे। त्रिपिटक क्या है? तो ध्यान रखिए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का का धर्म किस धर्म से संबंधित है? बौद्धिज्म से है। त्रिपिटक बुद्ध किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ? त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है। निम्न से किस, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। बिना किसमें नियम? किसमें है? विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, ठीक है, अधीनम पिटक से। यमक बुद्ध पिटक संबंधित, अधीनम पिटक से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अधिनियम के अंतर्गत सात ग्रंथ सम्मिलित हैं, ध्यान में रखेंगे, उसी में से एक यमक भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में, ठीक है, बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सूत पिटक में। किसमें? सूत पिटक में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म में तीन रत्न से क्या अभिप्राय है? बुद्ध धर्म और संघ, संघ ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं आगे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठ हो परबर नामक समारोह आदि किया जाता था, वर्षा के समय में होता था, ठीक है, जी सर कब होता था? ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारने के लिए। रात में भी ये क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, ठीक है, इसी को परवन बोलते थे, ठीक है। चलिए, जी सर अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में किस स्थान पर? पाटलिपुत्र में था, ठीक है, पाटलिपुत्र यहाँ पे कनिष्क जब आता था यहाँ पे हमला करता कर इससे पर यहाँ पे। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाना विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? नहीं राजगीर में है, राजगीर में था ना विश्व शांति स्तूप, चेंज हो गया क्या? अभी भी वही है, ठीक है, 400 मीटर की ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बात करें बुद्ध की, ठीक है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित की गई थी किसके द्वारा? तो ये बनाया था आपको जापानी जापानियों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जापानियों के द्वारा बनाया गया, बहुत सुंदर लगता है देखने में। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, उसका अथर्ववेद में भी है, वाजसन्नी संहिता, तत्रई ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वह स्थल, वह स्तूप स्थल जिसका स्थान भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं, कौन सा है? तो सांची, सांची का स्तूप का कोई लेना देना नहीं बुद्ध से। निम्नलिखित बाद निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। तो इसका क्या हो जाएगा? भरूत एवं सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने किया था, भरूत और सांची का। धमेक स्तूप की संरचना के निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल 500 ईसा में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बनाया गया। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के काल में हुआ था। भरूत और सांची धमेक स्तूप के निर्माण का सही क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, ठीक है। अनात्मावाद, ठीक है, अनात्मावाद का सिद्धांत किसमें है? ध्यान में रखेंगे, किसमें है? बौद्धिज्म में अनात्मावाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते, संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न से किससे संबंध है? तो बहुत ध्यान, सही बौद्ध से संबंध है। किससे संबंध है? बौद्ध से संबंधित है। अब आगे चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किसी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता था? गौतम बुद्ध को, ठीक है, जी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता था? भगवान जी बुद्ध को। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक की बात कर, अंबेडकर को नव बौद्धवाद, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जी क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? बुद्ध ने किया था, ठीक है, क्षणिकवाद के। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, पारमिता शब्द का, परमाता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान में रखेगा, परिपूर्णता, इसकी प्राप्ति,
बोधिसत्व पर प्रशस्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे सर एडविन डोनाल्ड की पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या नाम है उसका पुस्तक का नाम, ललित विस्तार पर लेकिन इनका पुस्तक का नाम था द लाइट ऑफ एशिया। क्या नाम है पुस्तक का, एशिया द का ही लाइट किसी ठीक है ऑफ एशिया। ठीक है, इनकी पुस्तक है तो अर्नोल्ड की वो देखिए पुस्तक है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। कब प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित कब किया गया था इसको, 1879 1879 में। ठीक है, बौद्धों के धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था, तो मुख्य रूप से देवी देवी देवताओं का देवताओं का पूजा, पूजा। जो कि हीनयान वाला नहीं करते थे, महायान वाला करते थे। गौतम हाँ बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान दिया था, कनिष्क के शासनकाल में देवता के कनिष्क रूप में इसको स्थान मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है ये कई बार। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्भुज संगति भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पहले किस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया, सबसे पहले जिसका पूजा किया गया, ने पूजा भगवान का ही, बुद्ध भगवान का था, जिनकी मूर्ति बना की पूजा की गई सबसे पहले। ठीक है, निम्न में से किसने मूर्ति पूजा का नींव रखी थी, किसने रखी थी, तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गंधार शैली की मूर्तिकला बुद्ध के सारनाथ से हुए प्रथम धर्म उपदेश के संबंध का प्रवचन मुद्दा क्या है, तो ये धर्म चक्र के मुद्रा में, किस मुद्रा में है, धर्म चक्र के मुद्रा में। ठीक है, गंधार काल में जो एक विशेष प्रकार की कला की उत्पत्ति हुई थी, उसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट कला भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल की है, तो ये खड़ी प्रतिमा कुषाण काल की हो जाएगी। ठीक है, किस काल की हो जाएगी खड़ी प्रतिमा, तो खड़ी प्रतिमा कुषाण काल की हो जाएगी। ठीक है, कितनी हाइट है ये प्रतिमा, जो गुप्त काल में जो यहाँ मथुरा से जो मिला है कुषाण काल की, उसकी हाइट की बात करें कितना है, 8 मीटर, 8.10 मीटर हाइट। अब चलेंगे, ठीक है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है, तो मौर्य गंधारा शैली, सॉरी होती मिक्स होता होगा। ठीक है, है। किसे होती है, तो ध्यान, बुद्ध की गंधार प्राचीनतम मथुरा शैला की वाली। बात की, गंधार मथुरा शैली से। ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा एक तो दिखाई गई, जिसे भूमि अश्वस्त मुद्रा कहा जाता है, इसका प्रतीक क्या है, तो ठीक है बी। ठीक है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर अध्ययन करवाया था, यूपीएससी वाला पेपर में रात में, तो भूल कैसे जाती है, सब हो रखा है। भूमि स्पर्श मुद्दा के सारनाथ के मुद्दा कहाँ से मिले, तो गुप्त काल से मिले। ठीक है, भूमि स्पर्श की, ठीक है, जिसमें गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा में भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता प्रदर्शित करती है। आप चलेंगे आगे, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा बाली बुद्ध प्रतिमा, ठीक है, कलंकित है, कहाँ से, ध्यान में कौन रखेंगे, तो गुप्त काल से संबंधित है। विचार करना है, ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपासक किसे बोलेंगे, साधारण अनुवादी को उपासक, ठीक है, श्रवण के पासक उच्च पद पे प्राप्त हुआ परिभाषक, एक और तीन तो सही लग रहा है, को क्या ऑप्शन लिया, एक और तीन सही लग रहा है। ये लोग जो अपनाते थे, इनको पूरा भ्रमणकारी बनना पड़ता, भिक्षु का जीवन अपना पड़ता, उपासक जो थे अपने घर में रहते हुए, राजा महाराजा साधारण लोग भी इसको अपना लेते थे। ठीक है, श्रवण जो था भिक्षु साधु को बोलते थे। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के बौद्ध मत के विस्तार से योगदान नहीं दिया, ठीक है, निम्नलिखित में कौन किसके साथ बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था, पुष्यमित्र सुंग ने, नहीं दर कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, ठीक है, अशोक ने नहीं दिया था, ये जो था इसके बौद्ध विजन के थोड़ा सा विरोधी था, क्योंकि ब्राह्मण मत का बढ़ावा दिया था। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तित्व में विचार करना है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, तो थी, महायान बौद्ध का परिणाम कुशीनगर में हुआ था, ठीक है सही है, और एक दूसरे का मतलब सही स्पष्टीकरण भी कर देता है। ठीक है, सॉरी नहीं करता है, मिस्टेक, ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, मिलाना है, ठीक है, अरे ये कैसे आ गया, लोथल में क्या है, प्राचीन गोदीच है, सातपुड़ा थी सही है, राजगीर में अशोक का सिंहस्तंभ से, ठीक है, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, क्या हो गया, अच्छा ये तीन वाला सही गलत लग रहा है, अशोक का तो सारनाथ है, ये सही है, 1 2 4, ठीक है, ये कहाँ से, सारनाथ सही है ना, जी सर बल्कि सारनाथ में, हाँ सारनाथ में। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व, महायान बौद्ध धर्म में, ठीक है, बोधिसत्व और लोकतीश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, इनको पद्म पानी के नाम से पानी भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इतना क्वेश्चन है इसमें।
120 होगा कहीं, बहुत दिन पहले पढ़े। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को अपना विचार कीजिए, ठीक है। अस्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकतेश्वरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघिकों अच्छा द्वारा बुद्ध के देवतारोपण में महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया, ठीक है। ठीक है, तो दो और तीन सही है, ये तो सही है, ये भी सही है। अस्थिरवादी महायान नहीं है, हिनयान। हीनयान हो जाएगा, अस्थिरवादी, ठीक है। ठीक है, ये मतलब क्या थेरावादी कहलाता है, ठीक है। अस्थिविर या फिर थेरावादी कहते हैं, हीनयान शाखा के थे ये, ठीक है, अस्थिरवादी। भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा है, तो अवतरित होंगे, अभी अवतार लेना मत्रय। बाकी है। मत्रेय, ठीक है, धर्म क्या, मत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, और ये इसको बुद्ध क्या, और ये अरे क्या हुआ, पढ़ने के लिए बोले हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, और तीसरा में है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों के उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायक करने के लिए स्वयं ही निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये गलत है, दो तीन सही, ठीक है। बौद्ध में महायान संप्रदाय का आदर्श एक केंद्रीय संकल्पना है, ठीक है। ये मतलब हीनयान नहीं हो, गया होगा, महायान होगा। बौद्ध अपने पर्वत के मार्ग पर बढ़ता हो करुणा में सही है। बोधिसत्व तो समय समस्त सचेतन प्राणी को उनके पर्वत मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति के विलंबित करता, सही है, ठीक है। बोधिसत्व पद्मानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्र, चित्रकारी कहाँ पे देखने को मिलता है, अजंता में देखने को अजंता मिलेगा, ठीक है। गुप्तकालीन है ये गुफा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगिरी स्थित है कहाँ पे। हीनयान विकसित। अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगिरी हीनयान, हीनयान जुन्नार बेडासा कार्ले में, हीनयान। ये पीतल खोरा लग रहा है क्या, क्या आंसर है। कार्ले होगा कहीं। इनियान का सर्वाधिक विकसित छतगिरी, ठीक है, कार्ले महाराष्ट्र, कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मावल तालुका में स्थित है, ठीक है। हिमयान अवस्था का विशालतम में सर्वाधिक विकसित शैलीकृत छतगिरी कहाँ पे, कार्ले में है। निम्नलिखित किस छतगिरी गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन देखने को मिलता है, कहाँ पे है, कान्हेरी कन्हेरी। का, कहाँ पे, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, कान्हेरी का, कार्ले का क्षेत्र, कार्ले और कान्हेरी गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, ध्यान रखें महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे विशुद्धि, विशुद्धि मत के रचयिता कौन है, कौन है, बुद्धघोष। बुद्ध घोषा है, कौन है, बुद्ध घोषा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, भारतीय बौद्ध भिक्षु के को चीन भेजा गया था, ठीक है, क्या होगा, नागार्जुन, क्या हो जाएगा, नागार्जुन होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नागार्जुन। अब आगे चलेंगे, ठीक है। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था, अपेस्टा नागार्जुन। सुने, नागार्जुन, ठीक है। इनको भारत का मार्टिन लूथर या फिर भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, ठीक है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, तो माध्यमिक थे, किससे थे, माध्यमिक थे। इनका किताब का नाम क्या है, किताब का नाम माध्यमिक कारिका, माध्यमिका कारिका, माध्यमिक चलिए कारिका। मिलाइए, नाथ मुनि, क्या होता है। इसमें केवल दो युग्म सही है, कौन कौन सही है, तो आर्यवाद, आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिग्नाग बौद्ध विचारक थे, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्होंने वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है, नाथ मुनि को, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। दिग्नाग के बारे में क्या दिया है, दिग्नाग का बारे में, बौद्ध विद्वान, बौद्ध विचारक थे, बौद्ध विचारक थे, मतलब ये गलत है, ठीक है, ये सही है, सॉरी, ऊपर वाला गलत है। आर्यवेद के बारे में बात करेंगे, बौद्ध दार्शनिक, ठीक है, जैन विद्वान नहीं थे, ये गलत है, ये गलत है, ये और ये सही है।
शिक्षा का केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला, विक्रमशिला बिहार में ही था, ठीक है। पल्लवी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे किसका केंद्र है? हिनयान का केंद्र, पल्लवी हिनयान शिक्षा का केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में, महायान का पढ़ाई होता था यहाँ पे। अब बात करेंगे इसको, गुप्त लोगों ने मतलब क्या किया था? दान में दिया था, ठीक है। नाना विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात के कुमार गुप्त हो जाएंगे, ठीक कुमार है। कौन हो जाएंगे? कुमार गुप्त हो जाएंगे। हद क्वेश्चन है यार ये। नाना विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखें, बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध गुप्त धर्म दर्शन का कौन सा? महायान का केंद्र था ये। किसका था? महायान का केंद्र था। स्टेटमेंट है, 12वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महाविहार को राजकीय परिसर मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों व्यक्तियों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये वाले दोनों सही है, धर्म। तो ए एक सही व्याख्या करता है, ठीक है। राजकीय परिसर मिलना बंद हो गया, जैसे उसके बाद मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया? पतन हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? 1951 में स्थापना की गई थी, तो पाली अनुसंधान केंद्र के लिए। किसे? अनुसंधान तो पाली अनुसंधान केंद्र के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान रूप से था? अति का परिहार, वेद प्रमाणता का प्रत्यानाश, ये सही है। कर्म कांडों के फलता करने, ये सही है। प्राणियों की हिंसा करने, ये सही है। दो तीन चार, ठीक है। अति जो था जैनिज्म में अति था, इसमें था अति जैनिज्म में अति आपको देखने को मिलता, बौद्धिज्म में नहीं, बौद्धिज्म में मध्यम मार्ग है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म और बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान? तप और भोग के अति का परिहार नहीं, वेद, ये गलत। तो सही, ये सही। केवल दो और तीन, तो कौन हो जाएंगे? केवल दो और तीन हो जाएंगे, ठीक है। कितना क्वेश्चन है इसमें? खत्म है सर। नीचे से चलेंगे, जल्दी खत्म होगा। ले बता ना, सुल्तानी युग में सुल्तानी बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली होगी? सुल्तानी युग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सी? ब्रजियान। कौन सी? ब्रजियान, ठीक है। सुल्तानी युग कौन सा युग होता है? मध्यकाल, मध्यकाल की बात करें। अच्छा बच्चा ना, ठीक है। पश्चिम गोदावरी जिले में गुटनपल्ली में प्रारंभिक चतगिरी बिहार चट्टानों को काटकर बनाया गया है। पूर्वी दक्कन के चतर बिहार साधारणतः चट्टानों के काटकर बनाया गया, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी गोदावरी जिले में, ठीक है। गुटनपल्ली में प्रारंभिक चतगिरी और बिहार चट्टानों को काट कर बनाया गया। पूर्वी दक्कन के चतर और बिहार साधारणतः चट्टानों के काट कर बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे 127 नंबर क्वेश्चन, देखिए। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, स्वतांत्रिक और, ठीक है, समितीय जैन मत के संप्रदाय गलत है, बौद्ध के थे। शर्वास्तियों का मानता थे कि दीर्घ विषय है, ठीक है, कि अव्यय पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यय उनके सदैव विद्यमान रहता है, ठीक है, सही है। तो क्या आंसर कर लिया है 127 का? ठीक है, बी लिया है, मतलब बी वाला सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चैत्य में महाविहार में क्या अंतर था? क्या अंतर था चैत्य महाविहार में? तो स्थान स्थान है, ठीक है। चैत्य जो था पूजा स्थल था, महाविहार मतलब निवास निवास करने का स्थान था, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है? कुछ शैलीकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते थे, जबकि अन्य को मतलब बिहार कहते थे। दोनों में वही अंतर था, कोई खास नहीं। चैत्य पूजा स्थल, जबकि बिहार जो था भिक्षुओं का रहने का निवास स्थान था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म के विस्तार पे कानून का सम्मिलित है, बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, ठीक है, राजकीय भाषा का प्रयोग, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक तथा वैदिक भावना की सुधारता, ठीक है, ये गलत है, सर। ठीक है। क्या हो जाएगा? एक दो तीन चार लेना चाहिए। कौन सा लिया है आंसर इसका? एक दो तीन चार, ठीक है, सही है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में विश्वास करते थे, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे। क्रम तथा पुनः जन्म के सिद्धांत, ठीक है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष, नहीं, मृत्यु के पश्चात मोक्ष नहीं, मृत्यु मोक्ष के लिए ही मतलब मृत्यु करते थे। पहला वाला क्रम तथा पुनः जन्म के सिद्धांत में समानता है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। बात करेंगे, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, कौन था? दुख तो दशा सबसे पहले दुख परिणाम है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग, ठीक है, ये चार आर्य सत्य थे। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान है? तो ध्यान में रखिएगा, आत्मा का दमन, आत्मा ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो क्या प्रश्न है?
बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, होता है ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये गलत है। ये सही, ये गलत है अच्छा, ये आपसे। गलत होता है, मतलब बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म होता है, दोनों में पुनर्जन्म होता है, ठीक है, हो आत्मा की जाता सत्ता है नहीं है, फिर। आत्मा की भी मानता है, जैनिज्म आत्मा को नहीं मानता, बौद्धिज्म मानता है, ठीक है। पर ये ध्यान में रखें, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, कर दिया, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, सही है। उसके कुछ एक शिल्पों का निम्न माना, उसने कुछ एक शिल्पों का निम्न माना, क्या लिया इसका आंसर, ठीक है, 1 2 3, कैसे भाई? उसने ब्राह्मण सर्वोच्च कोटि को चुनौती दी, सही, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, गलत तो है, उसने वर्ण एवं जाति को, सर स्वीकार हैं, किया नहीं है, मतलब अस्वीकार नहीं किया ऐसे है। उसने बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। अच्छा ठीक है, वर्ण को माना था, ठीक है, ब्राह्मण के सर्वोच्च चोटी को नहीं माना था, ठीक है, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, ठीक है, सारे सही है। इस तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। एक क्लासेस आपकी होगी 8 बजे से, ठीक है, एक क्लासेस 8 बजे से होगी, जिसमें से साइंस का एक चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। और अच्छी बात यह है, से हमने आप लोग को जो भी पॉलिटी जो भी